यार, दिल्ली का ये लौंडा, ये बंदा कहाँ से निकल के आया है? ये तो भाई मतलब इसके खून में जितना उबाल है ना, वाकई में पैशन है यार किसी चीज को करने के लिए। क्रिकेटर्स यार, क्रिकेटर्स को ना हर चीज की सुविधा होती है, वो बिगड़ना चाहे तो कितना ही बिगड़ सकते हैं, है ना। और शुरू में मुझे याद है जब विराट कोहली को इंट्रोड्यूस किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं था और ड्रॉप हो गया था, ड्रॉप भी कर दिया गया था टीम से, क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर बंदे ने अंदर से ठानी कि मैं दोबारा आऊंगा, मैं कमबैक करूंगा, और उसके बाद से कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। और आज विराट कोहली का जितना नाम है, आप जानते हो यार, विराट कोहली हिमसेल्फ इज अ ब्रांड। ओके, ये इतना बड़ा ब्रांड आज क्रिकेट के अंदर, आप लोग जानते हो बीसीसीआई सबसे बड़ी क्रिकेट काउंसिल है पूरे वर्ल्ड में, 26 मिलियन की वर्थ है इस बंदे की। इंस्टाग्राम पे आप फॉलोवर्स देख लो। और सबसे यूनिक चीज क्या है, जरा आप सोचे हो कभी, इतना पैसा, अथा पैसा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये बंदा कुछ भी ऑकवर्ड या ऐसी वैसी चीजें खाता ही नहीं है जिससे इसको कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब दिल्ली का रहने वाला ये लड़का है, परांठे की गली, वहां पर छोले भटूरे परांठे, मुंह में पानी आ जाए, हर कोई खा जाऊं बस, मेरा तो बहुत मन चलता है। वहां पर ये आदमी अपने डाइट को कंट्रोल करके रखता है। ये एक इंटरव्यू में देखा मैंने कि ये कहते थे कि काजू कतली इन्हें बहुत अच्छी लगती है, ऐसे कोई स्वीट थी, और कहते काजू कतली खाई मुझे अरसा हो गया, मुझे पता ही नहीं मैंने कब खाई थी। जो इनकी फेवरेट है वो इनको पता नहीं उन्होंने कब खाई ना। थिंक ऑफ इट कि अपनी डाइट पे, अपनी फिजिक पे कितना काम करते हैं, समझ रहे हो। तो ये लोग हैं यार पैशनेट, ये लोग हैं सक्सेसफुल।